हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइफरी कैश। गाइस, आज जो वीडियो बनने जा रही है ये स्पेशली आप लोगों को ही मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो अपने चैनल पर अपडेट करी थी जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिया है, सारे कमेंट्स मुझे रिसीव्ड हो रही है। सो वीडियो कुछ ऐसा था कि मैं खुद पटाखे ख़रीदने गया था चंपाहाटी, एंड मैंने अपडेट करने के बाद काफ़ी लोग जो है अपने क्वेश्चंस अब मेरे कमेंट सेक्शन में रख रहे थे। पूछा है, एक्वा गेमिंग नाम है उनका, आप कितने बजे पहुंचे थे डेस्टिनेशन पे? मैं 10 बजे पहुंचा था भाई। पीयूष गुप्ता पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सिंगल शॉट? भाई मैंने तो लिया है 110 रुपये में 15 शॉट। 30 शॉट का जो प्राइस था वो था 350 रुपये, एंड 60 शॉट का जो प्राइस था वो था 700 के आसपास। मेरे को आपका वीडियो इतना अच्छा लगा, 5 बार देखा, थैंक यू भाई। मानु प्रसाद ने बोला, पुलिस चेकिंग मतलब फायर बॉक्स कैरी करना बैन है क्या? ऑब्वियसली भाई, अगर आप पटाखे लेके आ रहे हो, अगर आप लाउड पटाखे ला रहे हो तो वो चेकिंग पे पकड़ी जाएगी, तो वो सारी पटाखे जो है वो लोग रख लेंगे, एंड पुलिस वाले आपको भी काफ़ी हैरेसमेंट भी होगा। होम डिलीवरी का ऑप्शन है क्या? पटाखे की होम डिलीवरी नहीं होती है भाई। एक बंदा बोल रहा है, तनीष खरे पार्ट 2 भी लाइए, मस्त वीडियो था भाई। कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो लाएंगे। आर्यन सर बोल रहे हैं, भाई आपका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हो, थैंक यू भाई। स्ट्रीट बॉय गेमर बोल रहा है, भाई कोलकाता में इस साल पटाखे फोड़ने देगा क्या? इस साल पटाखे भाई मेरे को तो नहीं लगता है कि रोकेगा, बट पटाखे हर साल फोड़ने देता है, इस साल भी देगा, बट लाउड पटाखे जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस होती है, इस साल भी होगी। रातिक पोली कह रहे हैं, नुंगी के सेल की ब्लॉग बनाओ। भाई नुंगी और चंपाटी के सेल में डिफरेंस क्या है? एक ही चीज़ जानता हूँ, दोनों जगह जो है प्रीमियम क्वालिटी की पटाखे मिलती है। लोग नुंगी और चंपाटी को इसलिए जानते हैं क्योंकि दोनों जगह पे जो है बजट फ्रेंडली पटाखे आ जाती है। बट अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन लोगे तो नुंगी में मेरे को लगता है कि यार बजट फ्रेंडली नहीं मिलती है, वहाँ पर प्राइस का बहुत जो है वो थोड़ा बहुत हाई रहता है कंपेयर टू चंपाटी। और एक तो भाई ने तो ऐसे भी वही है, एक भाई ने कमेंट करी, अरे भाई नुंगी जाओ ना भाई। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोग कह रहे हो नुंगी जाओ नुंगी जाओ, ठीक है, आप लोगों को चंपाटी से क्या प्रॉब्लम है? नुंगी में क्या है, नुंगी में पटाखे अच्छे मिलते हैं। मैं पर्सनली मैं नुंगी भी गया हूँ 2018 पे, मैंने वहाँ से पटाखे मैं ख़रीद के लेके आया था। लेकिन मुझे क्या फ़ेस करना पड़ा, मैं जहाँ पे इस साल मैंने जहाँ पे 6,000 की मैंने शॉपिंग करी, मेरे को एक बल्क क्वांटिटी पे मेरे को सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। बट यही 6,000 अगर मैं नुंगी जाकर मैं अगर इन्वेस्ट करता तो मेरे को इतना क्वांटिटी में पटाखे नहीं मिलते। अगर कंपेयर करूँ तो एक सेल जहाँ पर मैंने परचेज़ करी है, एक सेल मैंने जहाँ परचेज़ करी है 90 रुपीज़, ध्यान देना, वही मेरे को नुंगी में मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 130-140। अब बार्गेनिंग आप कितना करोगे, 10-20 रुपये कम करेगा, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करके देखो तो 20-30 रुपये आपका एक्स्ट्रा ही लगेगा नुंगी में। और साथ ही साथ और भी जो भी जितने भी अगर आप थोड़े बहुत ऊपर के बजट पे जाओगे पटाखे में, जैसे आप 60 शॉट ले रहे हो, 30 शॉट ले रहे हो, आप पर्सनली जाओ घूम कर आओ, आप एक बार देखो, मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ना। 30 शॉट जहाँ पे मेरे को 350 में मिल रहा है, वही आपको नुंगी में मिलेगा 400-450। एक मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, इतना होना ही है। साथ ही साथ 60 शॉट भी वही है, 60 शॉट भी जहाँ पे मैं 700 रुपये में मैं लेकर आया हूँ, वो भी मेरे को नुंगी में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। अब अगर दुकानदार ये बोल के बेच रहा है कि भाई मेरी क्वालिटी चंपाटी की क्वालिटी से बहुत अच्छी होगी, तो मैं आपको पर्सनली बता दूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह होता है, नुंगी का मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं होता है, चंपाटी का भी मैन्युफैक्चरिंग वहीं होता है। अब ईमानदारी से जो लोग काम करेंगे वो लोग कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, वो लोग गलत सामान नहीं बेचेंगे। सो यही है, आप कहीं पे भी जाओ, चाहे वो चंपाटी हो या नुंगी हो, आप सामान खरीदने से पहले सबसे पहले आप ऑलरेडी उस जगह का एक राउंड ले लो, राउंड लेके और भी एक जो दुकान आपको अच्छी लग रही हो वो दुकान में पहले ना जाकर आप 2-3 और दुकान में जाओ, जाके पहले देखो कि एक प्राइस का आइडिया लो कि वहाँ पे क्या अमाउंट पे जो है पटाखे बेच रहे हैं, ठीक है, क्या एक सेल का प्राइस क्या है, एक शॉट का प्राइस क्या है। जब आपको आइडिया हो जाए तब आपको जो दुकान अच्छी लगे आप उस दुकान में आओ, पर्टिकुलर आके आपका अपना रेट पे आप अपना सामान खरीदो। और एक चीज़ क्या है, मैंने पर्सनली जब मैं यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस मैं जब सर्च कर रहा हूँ इसी चीज़ के रिलेटेड, भाई एक
चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर रहा है वो ये है कि मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, झोला उठा रहे हैं, ट्रेन हो या बाइक हो, किसी भी के माध्यम से वो लोग जा रहे हैं, या तो नूंगी या तो चंपाटी, जो जैसा डेस्टिनेशन पा रहा है वो वहाँ जा रहा है। अब जाके यार वो वहाँ पे एक शॉप का प्रमोशन कर रहा है, और मैंने किसी को भी देखा नहीं कि कोई जाके वहाँ से पटाखे खरीद के आ रहा है वापस। तो प्रमोशन करने जा रहे हो भाई, इसका क्या एश्योरेंस है? आप आके चैनल पे वही वीडियो अपडेट कर रहे हो तो लोग भी आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका 2-2.5 हज़ार एक एक दिन में आपका व्यू आ जा रहा है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जब आप इतना कर रहे हो अपने सब्सक्राइबर के लिए तो 4-10 पटाखे खरीद लो भाई। एटलीस्ट इससे क्या रहेगा, आपके सब्सक्राइबर भी जो है, आपके व्यूअर भी जो है, उनको भी एश्योरेंस रहेगा कि नहीं, मैं जिनका वीडियो देख रहा हूँ वो ऑलरेडी जहाँ का प्रमोशन कर रहा है भाई, वो वहाँ से परचेज भी कर रहा है, एज लाइक वहाँ के पटाखे अच्छे होंगे। अगर आप खाली पीली किसी शॉप को जाकर, किसी शॉप का अगर आप प्रमोशन करके आ रहे हो बिना कुछ खरीदे, इसका क्या गारंटी है कि वो शॉप आपको बहुत अच्छे पटाखे देता हो? क्लियर भाई, मैं जिस शॉप पे गया था चंपाटी पे, वो शॉप पे मैंने 6 हज़ार की मैंने पटाखे खरीदी। मैं चाहता मैं बिना कुछ खरीदे भी मैं वापस आ सकता था, बट नहीं भाई, मैं गया था पटाखे खरीदने के लिए। सो मैंने खरीदी, मेरे को अच्छा लगा, मैंने लेकर आई। मैं भाई इतनी गारंटी भी देता हूँ कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, अगर पॉसिबल हुई गाइस, अगर पॉसिबल हुई तो मैं एक दो सेल मैं फोड़ के भी आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा कि यार क्या रिस्पॉन्स है। बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पे मैं लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं चंपाटी जाता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे काफ़ी सस्ते पटाखे मिलते हैं। आप मेरे लास्ट वीडियो आप चेक करो, मैं जिस शॉप से लेता हूँ वो शॉप में आप एक बार जाकर देखो, ठीक है, लेने लेने की बात नहीं है, वो आप एक बार वो शॉप में विज़िट करके देखो, और हो सके तो मेरा वीडियो दिखा देना कि दादा इन लोग का वीडियो देख कर आया। सो वो आपको ना अच्छी क्वालिटी के सामान देंगे, यही होता है डिफरेंस। अगर आप रैंडम जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक क्या होता है, अगर आप हमारा रेफरेंस दे दोगे कि दादा ये दादा लोग का वीडियो देख कर आया है, सो वो लोग भी है जो है, जैसे हमको एक फिक्स्ड अमाउंट बताते हैं उसमें भी हम लोग बार्गेनिंग कर ही लेते हैं, तो आप लोग के साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। सो गाइस काफ़ी रात हो गई है, एंड मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आने वाले दिवाली में आपको एंड आपके फैमिली को मेरी तरफ से जो है बहुत सारी अच्छी विशेस, एंड गाइस हैप्पी दिवाली। एंड हो सके तो मैं कल एक बार, जो भी है मैंने जैसे बताया कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, सो अगर अगर इंडिया जीती, मैं चाहता हूँ दिल से कि इंडिया ही जीते, इंडिया अगर जीती तो कल पक्का मैं आप तक जो मेरे पटाखों का एक दो रिव्यू मैं आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं, एक दो सेल फोड़ दूंगा, और क्या, आपको दिखा दूंगा यार क्या पटाखे मैं लेकर आया हूँ, अच्छा निकले, कुछ बुरा ना निकले, बस इतना ही है। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, कोशिश करते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो काफ़ी स्पेशल हो, बहुत ही अच्छा हो। एंड अगर आपने अभी भी मेरा वो पटाखे वाले वीडियो आपने अभी तक अगर नहीं देखी हो, सो मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ जाओ एंड वो एक बार वीडियो देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा।